मतलब आगे सरकार पावर सेक्टर के लिए को लिंकेज पॉलिसी को जल्द मंजूरी दे सकती है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार मई के दूसरे हफ्ते में पावर सेक्टर के लिए को लिंकेज पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करने का काम लगभग पूरा हो गया है। सूत्रों का कहना है कि पॉलिसी में पावर सेक्टर कंज्यूमर्स के लिए को लिंकेज को ज्यादा अफोर्डेबल और पारदर्शी बनाने पर जोर है। नई पॉलिसी में प्रोजेक्ट के लिए कोल सप्लाई तेज बनाने का फ्रेमवर्क दिया गया है। इसके अलावा कोल लिंकेज के लिए एप्लीकेशन क्लियरेंस काफी जल्दी मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक कंपनियों से मिल रही शिकायतों के मद्देनजर कोल लिंकेज पॉलिसी को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा जिसमें सभी को हिस्सा लेने का मौका भी मिले। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को झटका लग सकता है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग की कमेटी की रिपोर्ट में दोनों कंपनियों के स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज बढ़ाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि BWA यानी ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस और दूसरे स्पेक्ट्रम से होने वाली आय से अलग करना संभव नहीं है। सरकार नए फॉर्मूले के तहत स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लेगी। BWA स्पेक्ट्रम पर 1% चार्ज लगता है जबकि दूसरे स्पेक्ट्रम पर 3-5% चार्ज है और रिलायंस जियो के पास देश भर में BWA स्पेक्ट्रम है जबकि भारतीय एयरटेल के पास 17 सर्कल में BWA स्पेक्ट्रम है। टेलीकॉम कमीशन स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज पर 30 अप्रैल को अंतिम फैसला लेगा।